और आपके पूरे परिवार को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आपके समक्ष पितरों का भरपूर आशीर्वाद दे आप सभी को प्राप्त होता रहे। आप सभी निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहता है। यानी प्रत्येक वर्ष से 16 दिन के पितृपक्ष होते हैं। इन्हें 16 श्राद्ध कहा जाता है। इन्हें कनागत महान्यास श्राद्ध या करवे दिन के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से समस्त पितरों को मुक्त कर दिया जाता है और वो सभी पितृ वायु रूप में अपने परिजनों के घर के आसपास या उनके द्वार पर आकर के उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए निरंतर जलांजलि प्रदान करेंगे, पिंडदान देंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करवाएंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। अगर उनके परिजन उनके नियमित ये सब कार्य करते हैं तो उनके पितरों को परम शांति प्राप्त होती है और वह तृप्त होकर के पुनः पितृलोक में अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर के प्रस्थान कर जाते हैं। अगर उनके परिजन उनको तृप्त नहीं कर पाते हैं, साध्य नहीं करते हैं, तब उनके परिजन को जो है वो आशीर्वाद के स्थान पर श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए आप पितरों के नियमित पितृकर्म अवश्य करें। मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है पितृकर्म करना, श्राद्ध करना, और श्राद्ध हमेशा श्रद्धा से किया जाता है। श्राद्ध कर्म को पितृपक्ष को कुछ लोग अशुभ दिन मानते हैं। कई लोग तो इनको करवे दिन के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं कि पितृपक्ष में भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में सूर्य भगवान को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पितृपक्ष में तुलसी जी का पूजन भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि पितृपक्ष में शंख नहीं बजाना चाहिए, पितृपक्ष में गरुड़ घंटी नहीं बजाना चाहिए, और पितृपक्ष में देवी देवताओं से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल भी गलत धारणा है, यह बिल्कुल गलत मत है। शास्त्रों से इस मत का कोई भी संबंध नहीं है। तो आज हम आपको स्पष्ट कर दें कि पितृपक्ष के जो दिन होते हैं वो पितरों के विशेष दिन होते हैं, और उन दिनों में भी आपको जिस प्रकार आप पहले पूजन करते थे, यानी कि आप भगवान को अगर स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी जी चढ़ाते हैं, दीपक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, गरुड़ घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, उसी विधि से ही आपको पितृपक्ष में भी पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी पहले की भांति पितृपक्ष में भी नियमित रूप से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। सुबह शाम जैसा भी आप अपने घर में, घर के मंदिर में पूजन अर्चन करते हैं, उसी अनुरूप आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान भी पूजन अर्चन करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय या दोष नहीं माना जाएगा। इसी तरह हम आपको स्पष्ट कर दें कि पितृपक्ष के दौरान आप भगवान के लिए नए वस्त्र भी खरीद कर ला सकते हैं और देवी देवताओं के पूजन से संबंधित सामग्री भी आप अपने घर में ला सकते हैं और प्रत्येक दिन पूरे विधि विधान के साथ में अपने घर के मंदिर में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। और अगर आप प्रत्येक दिन नियमित रूप से मंदिर जाकर के वहां पूजन करते हैं या शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो भी कार्य आप पितृपक्ष में संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाएगा। और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रत्येक दिन जल अर्पित करते हैं तो पितृपक्ष में भी आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए, गौ माता का पूजन भी करना चाहिए। और पितृपक्ष में आप देवताओं का पूजन तो करें, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि पितरों की आराधना और पितरों का श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी मृतक पितर या कोई पूर्वज होंगे वो आपसे अपेक्षा रखेंगे, वायु रूप में आपके द्वार पर आपके घर के ही आस पास आकर के उपस्थित हो जाएंगे
और आपसे जलांजलि की पिंड दान की तथा श्राद्ध कर्म की अपेक्षा करेंगे। तो आप पितृपक्ष के दौरान उनके नियमित प्रतिदिन जल की एक अंजलि अवश्य देंगे। जलांजलि प्रदान करने के लिए कुसा, जौ और तिल का उपयोग किया जाता है। इसी तरह आप पितरों के नियमित श्राद्ध कर्म करें। श्राद्ध का अर्थ होता है पितरों को जलांजलि प्रदान करना, पितरों के नियमित पिंडदान देना तथा पितरों के नियमित ब्राह्मणों को भोजन करवाना, पितरों के नियमित गौ माता को रोटी खिलाना, हरी घास खिलाना, पितरों के नियमित जो है कौवे को एक ग्रास यानी रोटी खिलाना तथा कुत्ते को रोटी खिलाना और इसी तरह चींटी को शक्कर और आटा खिलाना। और पितरों के नियमित आप जो है गरीब और असहाय और जरूरतमंद लोगों को भी दान पुण्य अवश्य करें। पितृपक्ष पितरों की तृप्ति का सबसे महत्वपूर्ण महापर्व माना जाता है और पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का पर्व ही श्राद्ध पर्व कहलाता है। इसलिए अगर आप अपनी पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने मृतक पूर्वजों जैसे कि माता पिता, चाचा चाची, ताऊ चाचा या फिर दादा दादी या नाना नानी या सास ससुर या अन्य जो भी मृतक आपके परिजन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके प्रति यदि आप श्रद्धा प्रकट करना चाहते हैं, उनकी आत्मा को तृप्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्माएं मृत्यु के पश्चात अनेक योनियों में भटकती हुई पुनः मनुष्य योनि में आती है और कुल मिलाकर के 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अगर आप उनके नियमित कोई भी कर्म करेंगे तो जिस योनियों में भी वह भटक रहे होंगे वहां पर उनको तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। और अगर किसी की असमय मृत्यु हो गई है, अघात मृत्यु हो गई है, जैसे आत्महत्या कर ली है, जहर खाने से मृत्यु हो गई है, सांप ने काट लिया है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो उनकी जितनी आयु बची थी उस आयु तक उनको इस पृथ्वी मंडल में ही वायु रूप में भटकना होगा और इस दौरान वह कुछ खा भी नहीं सकेंगे और पी भी नहीं सकेंगे। अगर आप उनके नियमित श्राद्ध कर्म करेंगे तो निश्चित तौर से उनको परम शांति प्राप्त होगी। त्रिपिंड श्राद्ध किया जाता है, महालय श्राद्ध किया जाता है और पितरों को जो है पितृपक्ष में हम जलांजलि इत्यादि देकर के प्रसन्न कर सकते हैं, उनको तृप्त कर सकते हैं। तो आप जो है पितृपक्ष में भगवान का पूजन अर्चन अवश्य करें, देवी देवताओं का पूजन अवश्य करें। पितृ कर्म में हमको जो है समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हुए, पितरों का पूजन करते हुए और पूजित श्रद्धा के साथ में अपने पूर्वजों के नियमित पितरों के नियमित श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। और अगर स्वयं श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो जो भी परिजन होते हैं जिसे महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं और पुत्र वधु भी श्राद्ध कर सकती हैं, बहन भी श्राद्ध कर सकती हैं, भानिज भी श्राद्ध कर सकते हैं, पुत्र पौत्र या पुत्र का पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है या सहोदर या सगा भाई भी श्राद्ध कर सकता है अथवा माता पिता भी पुत्र का श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि कोई और नहीं हो तो पुरोहित या आचार्य भी अपने यजमानों की मृत्यु के लिए उनका श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं। और श्राद्ध कर्म करने से उस प्राणी को परम शांति प्राप्त होती है और जब उसको परम शांति प्राप्त होगी तो आपके घर परिवार में जो भी ज्ञात अज्ञात पितृ दोष है वह समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमस्ते वाली को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।